आई होप हमारा पोपट नहीं हो, 2 नंबर सैयद अली ना हो ये। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका पोपट तो बन ही चुका है जब आप मुसलमान ईमान छोड़कर आप दूसरे मजहब में आ गए हो। कल वाली इमाम छोड़ सैयद दिया है अली है तो ये, कल वाली ही सैयद अली है, पोपट आते अली साथ तो फाइटिंग शुरू। तुम्हारा बन ही चुका है एक्चुअली। और ये कनीजा है, इन दो कनीजों से बोलो चुप हो जाए, ज्यादा आते साथ बकवास बमबारी शुरू। बकवास ना करें, इन दो कनीजों से बोलो अपनी मुंह बंद करें, बमबारी शुरू आते साथ। नहीं तो तुम्हें पता है आप कहते हो ना मोहम्मद जो है गलत काम करता था माजअल्लाह, तो इनको बुला लूंगी फिर। हम मोहम्मद से उम्मत से हैं और सुन्नतों पे पूरा वो करते हैं, इन दोनों को तो बुला आप भी लूंगी गलत फिर। काम करेंगी, मेरे हस्बैंड खाली बैठे इन दोनों के लिए। मैं तो आप भी गलत काम करेंगी मतलब, है ना? मोहम्मद साहब गलत क्या काम करे भाई, करते थे, जब आप भी गलत। नबी नबी की उम्मत से हैं तो कुछ दिया कहती तो आप लोग कहते हो ना, थैंक यू आपके सो कहने वेरी मच। के अकॉर्डिंग में चल रही है। हमारे नबी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना ये कहा। देखो, सच वो है जो, तो क्या कहते हैं उसको, छत के ऊपर चढ़ के बोले तो। सच वो है, सच एक्शन स्पीक्स लाउडर वो देन है, छत वर्ड्स। के ऊपर नहीं, सच वो है जो इंसान समझे। समझ में आई? आपने अभी आप खुद ना एडमिट समझने कर को लिया तैयार हो और ना ही सोचने के लिए। आप एक सैयद माँ अली। बताओ। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो अभी इस तरीके की हरकत अगर करेंगे वो, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि नबी की सुन्नत को फॉलो करेंगे, राइट? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आप लोग हाँ कहते तो, हो ना। अरे अरे तो वो तो आपके हमारे लिए अगर चल प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए नहीं है ना वो। चुप, इस कनीजा से अरे बोलो चुप चुप हो कर जाए। चुप लाटी, चुप चुप बच नहीं चुप जा चुप रहा, चुप 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 कर, चुप 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 चल चुप 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 कर। चुप 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 अरे चुप चुप गांडू, चुप 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 अरे चुप इसको चुप सब चुप 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 पूरा चुप चुप कनीजा, AK-47 पूरी कनीजा। खाली कर दी। लौंडिया तो हुजूर अरे ने रखी थी, लॉन्डी, लौंडिया तो हुजूर ने रखी थी, तू कहाँ से आ गई मुझे लौंडी कहने वाली। अरे लौंडिया तो क्यों, हुजूर ने रखी थी, हमने अरे रखी थी चुप लौंडी, तो यार, तू चुप लौंडी हुई। कर। चल चल माशाल्लाह कनीजा, माशाल्लाह, यही है उसकी आत्मा, इसमें आ गई है यार, हैरत एक रोटी बचा ये दे। चुप 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 करके ऐसा लगा मेरे को जैसा सैयद अली चुप्पा लगा रही है। हाँ वो आपको थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता, जब भी तो कह रही हूँ ना आपको दीन इस्लाम समझ में नहीं आता, तो आपको किसी की बातों का गलत मतलब, अरे तुम आप इसी समझना तरह नहीं तो चाहती हो, हदीसों का तुम गलत समझना नहीं मतलब चाहती निकालते हो। हो, चीजों का गलत मतलब निकालते हो, सिर्फ इसी वजह, यही सारी नहीं चीजें नहीं तो हम हैं जो बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं निकालते, हम लोग सिर्फ आप सच पे चुप को बात कुछ करते और हैं। डिस्क्राइब कर रहे हो, आप चुप को कुछ और कह रहे हो, तो इट मींस के आप तुमने खुद ही सारी बोला जो चुप चुप आप, चुप चुप, तो चुप इट्स साउंड लाइक कनीजा, बैठ छुपा। उधर एक तरफ, चलो कनीज लॉन्डीना हो कहेगी, आ चल गई है फिर कनीज। मुंह उठा लौंडिया गई। तो हुजूर पाक में रखी थी, तू कहाँ से, तू तो मेरी तू हुई ना लॉन्डी है, लौंडी, हुजूर को गोली मार, तू मेरी लॉन्डी है। ओके शट अप तू नाउ। हुजूर ने रखी थी, अरे हजूर की गांड मार, तू मेरी बात सुन, मैंने तुम्हें लॉन्डी रखा है, तू रसूल के ऊपर क्यों जा रही है? क्यों नहीं जाऊंगी, रसूल ने रखी थी भाई, रसूल ने लौंडिया रसूल रखी के थी, तुम ऊपर भी तो चढ़ कहते जा, हो। इधर चढ़ जा रसूल के ऊपर, इतनी तू उसको डिफेंड कर रही है, चढ़ जा उस मादरचोद क्यों पे। क्यों अरे क्यों हजरत क्यों देख आयशा आज कंट्रोल, आज हजरत सारे, आयशा यार ये कंट्रोल, बकवास फिर करने आ गई आज फिर तू लौंडी निगरानी करने तो आ गई, बुरा लग निगरानी रहा है, सच करने। बुरा तुम्हें लग डिफेंड गया, करना है ना, चुप करके बात सुनो फिर। बुरा लग गया, बुरा लग गया, बुरा लग गया, बुरा बुरा लग लग गया, गया। चुप बुरा लग गया, बुरा लग गया। चुप 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 कनीजा, लांडी चुप कनीजा, चुप कनीजा। ले, चल मेरे कपड़े धो, चल चल घर का खाना बना मेरे तेरी बच्चों मैं को, गांड ना चल मारूं, कप, चल चल देख, देखो तेरी देखो मैं सब लोग गांड सुन मारूंगी। रहे। ओके हाँ देखा ना, अब तुम्हारे सब लोग सुसर सुन जी रहे जो हैं कि पीछे एक कल गुलाम मोमिना भौंक कैसी रहे थे होती ना, है, उसकी मैं एक ट्रिपल मोमिना मारूंगी। ओके कैसी होती है और तुम जैसी कनीजा कैसी होती है, अरे तुम यार, हुई ऐसी नीच इसके साथ कोई टॉपिक पे कॉम। बात कर लो, चल ये ऐसी चल, भौंकती रहेगी ये चावल तू औरत। भौंकने वाली, तू तू है भौंकती, मैं नहीं अच्छा भौंक रही बात सुनो, हूँ, बात सुन, चुप कर लॉन्डी, तू चुप चुप कर। चुप कनीजा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, एक अरे तरफ बैठ, माधव चल चुप कर जा, ये क्या, एक, ये क्या खा के आई है, क्या नया खाया इतना सुबह? अभी रुक जा, अभी रुक जा, तेरी अभी रुक जा, अभी तुझे बुलाती हूँ मैं, सेनापतियों को सारे उनों को, हाँ तेरे को लेके बुला जाएगी, लो सारे, ख्वाजा सबको मैं हीरा, गुलाम ख्वाजा बुलाऊंगी। सेरा, ओके चुप ख्वाजा सेरा, चुप ख्वाजा सेरा, है ख्वाजा सिरा, एंजल जी चुप। भी हमारे साथ जुड़ी है। अरे एंजल, हाँ ये आ गई है फिर और मेरी लॉन्डी आज।
लौंडिया तो हुजूर पाक में रख, तुम लोग कहते हो ना लौंडिया तो हुजूर पाक में रखी थी, माउस नाज क्या कहते हैं नाउस बिल्ला गलत काम किया। एक टाइम पे एक बंदा बोलेगा, एक टाइम पे एक बोलेगा, एक बंदे को बोलने देना फिर अपनी बात रखना, पहले तुम एक टाइम पे एक बोलेगा, तू क्यों बोल रही है कनीज, चलो उधर एक तरफ बैठ जा ना, चाबुक लेके ना मैं तुम्हारी गांड पे मारूंगी और लात कर दूंगी, ओके अंडरस्टैंड। पहले अपनी संभाल ले, पहले अपनी संभाल ले, पहले अपनी संभाल ले, इतने सारे लोंडो के बीच में बैठी है, इतने सारे लोंडो, पहले अपनी संभाल ले, पहले अपनी संभाल ले, इतने सारे आदमियों के बीच बैठी है, कहीं वही तेरे साथ ऐसा ना कर दे। तू बैठी है ना मेरी गुलाम, मैं तो तुम लोगों के खिलाफ बैठी हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं बैठी हूँ, तुम लोगों के खिलाफ बैठी हूँ। अच्छा, अगर तुमने बात करनी है तो फैक्ट पे बात करो, चुप करके आराम से बात करो और जो टॉपिक है उस पे बात करो, फिर ऐसे डिफेंड करो। हाँ तो ये बोलो ना, तू तेरी बात में इतनी देर से तुम्हारी, मैं लौंडी आई, लौंडी लौंडी लौंडी, कौन लौंडी, तू लौंडी, जब मैं मुझे लौंडी कह रही है, तुम्हें लौंडी बनाया था पहले, ओके एक मिनट रुको सैयद अली, देखो अगर कायदे से देखा जाए तो कल हजरत आयशा ने आपको सबसे पहले लौंडी बना लिया था। उसका नाम हजरत आयशा तो नहीं है, एटलीस्ट मेरा नाम हजरत आयशा ही है, कोई डाउट, मेरा नाम हजरत आयशा, मैंने कल बोला ना तू आयशा। देखो इस वजह से मेरे को म्यूट करना पड़ा, थोड़ा तहमुल से सुनो, अच्छे से बात करेंगे। देखो अगर कायदे से हम जाए तो कल हजरत आयशा ने कल आपको ऑलरेडी लौंडी बना दिया था, अब अनलेस एंड अंटिल हजरत आयशा आपको आजाद नहीं करेगी, आप किसी, आप खुद एक लौंडी की स्टेटस में है, आप दूसरे को, आपकी जो मालकिन है उसको आप लौंडी नहीं बोल सकती। सैयद अली इस्लामिक कानून, अब मेरी बात तो सुन लो साहिल साहब, आप मेरी भी तो सुन लो गुलाम साहब, बोलो ठीक है, कॉपी नहीं कर सकते आप। हाँ यार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करूंगी, लोग हर चीज में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इतने ये लोग। मैं, मेरा एक सवाल है सबसे पहले सैयद अली, आपके जो बाबा थे सैयद अली, वो सही सलामत है क्या? नहीं पहले हमको अपडेट दो, हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे रात से, सबसे पहला अपडेट वो दो, आपके बाबा सही सलामत, मुसलमान और मुस्लिम हमेशा ता कयामत तक सही सलामत रहेंगे, जब तक अल्लाह, तुम जैसे लोगों की वजह से कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह और उसके रसूल ही चाहेंगे तो कुछ हो सकता है। देखा नहीं आज तुमने अपना मुंह कैसे काला कर लिया, देखा नहीं ऊपर वाले ने तुम्हारा मुंह कैसे, जैसे तुम्हारी बातें हैं काली काली गंदी गंदी, वैसे तुमने, जैसे तुम हदीसें पेश करते हो झूठी झूठ झूठ बना के, ऐसे ऊपर वाले ने तुमने अपना मुंह अपने आप अपने हाथों से काला करके अजीब सा करके बैठ गए। आज असल में सैयद अली पहले से प्लान बना के आई है कि कल जितने फटके पड़े हैं मुझे, आज उसका स्टार्टिंग में ही बदला ले लूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। हाँ कि भाई चलो आते साथ पहले 10-12 गोले मार दो ताकि कल का बदला मेरा पूरा हो जाए, एकदम प्री डिसाइड सैयद अली आई है कि आते साथ मैं बमबारी करूंगी। आते ही नॉन स्टॉप गालियां, उसके बाद फिर अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। आप अपनी बात रखे फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा सैयद अली से, लौंडी की चूंकि बात हो रही थी मैं लौंडी पे ही बात करूंगा। जॉली अली भाई आप अपनी बात रखे पहले फटाफट। साहिल भाई मेरा तो सैयद अली आपा से यही पूछना था कि आपा एटलीस्ट साहिल भाई ने अपना चेहरा तो दिखाया, आपके मोहम्मद साहब का चेहरा तो इतना खौफनाक है कि 1400 साल तक कोई देख ही नहीं पाया, आज तक किसी को नहीं पता कि मोहम्मद साहब दिखते कैसे थे, तो एटलीस्ट हमारे रसूल अल्लाह का चेहरा, वो नूरानी चेहरा देखने की कब नसीब होगी हमारे जिंदगी में। आपा उन लोगों ने देखा है, सहाबाओं ने देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, और जब मरोगे ना तो कब्र के अंदर दिखाएंगे, चुप हो जा तू कनीज, चल एक तरफ रोज मुंह उठा के चली आती है, तेरे पास काम नहीं है
है तेरा मियाँ है, हस्बैंड है भी या नहीं है, तू मुंह उठा के रोज साहिल के पास चली आती है। अच्छा सैयद अली, तुम्हारा हस्बैंड तुमको पीटता है या तुम तुम्हारे हस्बैंड को पीटती हो? आपसे मतलब, नहीं ऐसा आपसे हमको लग मतलब रहा है कि आप क्या आपके करोगे, हस्बैंड रोज, मैं बताता हूँ एक आप मिनट क्या रुको। करो, आप कहते हो ना मुसलमानों में जो है औरतों को बंदी बना के रखा है, देखो हाँ मुसलमानों में कोई बंदी नहीं बना के रखा, सब आप इज्जत से मारती अपने रहती हैं, हस्बैंड को देती? इज्जत अच्छा से भाप मारते, भाप 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 मारते क्यों है, मारूंगी क्यों, इज्जत से रहूंगी, वो मेरी बात मानते हैं, मैं उनकी बात मानती हूँ, और तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी बात ना तुम्हारी तरह माने क्यों तो? नहीं मानेंगे, बात मानते हैं मेरी, मैं ऐसी बात ही नहीं अच्छा करती जो वो बात ना माने। अच्छा एक बात बताओ सैयद अली, एक बात बताओ, अगर समझो कि तुम खाना बना रही हो, ठीक है, काम में एकदम पसीने में शराबोर हो, तुम खाना बना रही हो और मैंने तुम्हारे मैंने सदफ या फिर जैसी कनीजें रख रखी हैं खाना बनाने के लिए, मुझे जरूरत नहीं है इसने तो कनीज ये क्या नाम है इसका, इसके जैसी, ये जो बैठी है गीता जैसी, सदफ गीता जैसी हजरत सदफ जो अपने आप को हजरत आयशा कह रही आरोप है ना, जो अपने आप को हजरत आयशा कह रही है ना, वैसी मैंने बनाने कनीजें रख रखी हैं, सॉरी है। अच्छा सुनो एक बात, इसके जैसी, ये जो बोल रही है जन्नत, जन्नत एक में मिनट सबसे सुनो। पहले वो कौन जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है आप बोलिए। अच्छा ये मैं पहले डिस्कशन कंप्लीट कर लेता हूँ। सदफ सुन रही है, तुमको कनीज बना दी इसलिए सैयद अली ने। सदफ को नहीं बोला ये, इसका नाम क्या है मुझे नाम नहीं पता, ये जो अपने आप को सदफ आयशा बोलती है इसकी बात कर रही हूँ मैं, सुनो, और सबको पता है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। सैयद अली सदफ तो बहुत डेंजर है, सीधा गालियां देती हो और वो तो इसको एक वर्ल्ड सही रिकॉर्ड देती बना है तुम उसको, लोगों वो को इसको गालियां, बोलेगी वो सैयद मैंने अली की सुनना सारी नहीं चाहता अभी, चुप्पी। सही सैयद अली देती है की वो, सारी सही देती है, आप लोग हो ही फ्लैट। अच्छा ओके। अच्छा सैयद अली एक बात बताओ, क्या ऐसा है कि आप हमेशा सेक्सुअल मूड में रहती है? मैं आपको क्यों बताऊं, अरे इन जनरल मैं डिस्कशन कर रहा हूं ताकि इस्लाम को हम नहीं समझ नहीं सके, आपको क्यों बताऊं, मैं इस वजह से देखो क्योंकि आप एक लेडी टॉपिक है, पे बात शादीशुदा करो, है, आप एक लेडी है, आप एक शादीशुदा है, आप बच्चे की माँ है, इस वजह से पूछ रहा हूं मैं, क्या आप हमेशा सेक्सुअल मूड में रहती है रोज? जवाब दीजिए, चुप क्यों हो जाती है यार जब मैं कोई जेन्युइन मैं सवाल करता आपको हूं तो? क्यों बताऊं, मुझे आपसे क्या मतलब। मैं उसके बाद आगे की बात आपको बताऊंगा। हाँ मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, हाँ देखो हाँ तो फिर ऐसा नहीं जवाब होता, सैयद अली, हम एक मिनट लोग एक मिनट रहते हैं, देखो, हम मोमिन है, हम रहते हैं, और बताइए हमेशा क्या ऑलवेज। मोमिना हमेशा सेक्सुअल मूड में रहती है? हाँ थैंक हस्बैंड को यू। देख के, हस्बैंड होता है, हस्बैंड को देख के रहते हैं, अपने हस्बैंड को देख के, ये घर बोला कि मोमिना मैडम को देख हस्बैंड के नहीं। टांगे खोल के थोड़ा रखती थोड़ा है। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा देखा इसने बोला, लोग हाँ रोज देखिए। मैं कल भी इनसे कई सारी चीजें इनके मुंह से उगलवाया था और आज इन्होंने एक नई चीज उगली, ये हमेशा 24/7 365 days सैयद अली हमेशा मूड में रहती है, हस्बैंड को देख के ही लेकिन मूड में रहती है। बेशक, अच्छा मेरे हस्बैंड है सैयद उन्हीं अली, को ही देख के मूड में रहूंगी, तुम्हारी इसकी आयशा की तरह कभी साहिल को, कभी एडम को, कभी किसी को, कभी समीर को, क्या क्या पता नहीं क्या लल्लू पंजुओं के नाम है, उन सबको देख के नहीं ना। सैयद अली, सैयद अली आपके अंदर दिमागी अपंग है, इस वजह से आप ये कह रही है कि आप हमेशा मूड में रहती है जब आप मैं क्यों प्रेग्नेंट। अपंग होंगी, मैं क्यों अपंग होंगी, सुनो आप लोग अपंग हैं, सुन तो आप लो, सारे जब अपंग हैं आप जो सारे प्रेग्नेंट, रात में हा ही हु अरे करते हो इस रुको तरीके थोड़ा से। सैयद म्यूट कर दिया करो, ये अली, रेडियो है, रुको रेडियो ना, देखो इस तरीके से तो बात नहीं होगी ना सैयद अली, मैं आपसे जब पहले अच्छे से बात कनीज से करता हूँ, बोलो, बीच में ना बोले, ये कनीजा है आप ना, ऐसे बीच में बोल नहीं रहे हो, बोलते। तुझे चुप बोल यहाँ आने दिया ना मेरी परमिशन की वजह से, तुम्हें चुप यहाँ आने चुप दिया है, चुप, ओके? तो ज्यादा ऐसे शो मत मारो, और यहाँ पे अरे आके चल जा, हमारी बात तू सुनी जा तू रही कहीं है, की ओके? जा, तो जा, मैं खुद ही हट जाऊंगी, क्या उसमें, मैं खुद ही यहाँ से लीव कर दूंगी, तू तो चुप हो तुम्हारा जा, जा। इस्लाम खत्म हो जाएगा सैयद अली, मेरा इस्लाम क्यों खत्म होगा, मेरा इस्लाम ता कयामत तक में खत्म होगा, रोज अब मैं खत्म कौन। हो गया। देखो हजरत आयशा ने छोड़ दिया, एंजल जी ने छोड़ दिया, हकूक सीकर ने छोड़ दिया, रब्बानी जी ने छोड़ दिया, इनका डॉक्टर इस्लाम था आयशा ही ने नहीं, ये छोड़ इस्लाम दिया। पे थे ही नहीं, अरे अरे तुमने उम्रा किया है, तुमने उम्रा किया है सार ये सैयद ईमान अली? पे थे ही नहीं, ये ईमान पे थे अरे ही नहीं, सुन तो तेरा सही उम्रा ना, कबूल ही सुन नहीं तो हुआ, ले। चला अरे चुप, चुप तेरा कर, उम्रा कबूल ही नहीं हुआ, चल
यार ये क्या औरत, ये पागल तो नहीं है यार, ये पूरा खानदान मुझे लगता है ये शुरू से मोहम्मद, तू मेरे खानदान के पास आई है ना, अच्छा बाबा जिंदा है ना, सैयद अली बाबा जिंदा है क्या? नहीं बाबा जिंदा है और आयशा का इंतजार कर गुलाम बुला रही है। डायलॉग सुना सैयद अली का, बाबा जिंदा है, अरे रुको सैयद अली, बाबा जिंदा है और आयशा का इंतजार कर रहे हैं बाबा, रसूल अल्लाह कहाँ जाएंगे भाई, रसूल अल्लाह कहाँ जाएंगे, आयशा को बाबा लेके जाएगा, खूबसूरती क्या मजब है, गंदे हर चीज का गंदा मतलब निकालते हो, बाबा इसका इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट हाँ, जो ये जो मैंने ये नहीं बोला कि बाबा किस लिए, एक मिनट बाबा तुम लोग सारे मैं कह रही हूँ सैयद अली थोड़ा रुको, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ गाइस, अभी बाकी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सैयद अली हमारी गेस्ट है तो उनको ऐसा नहीं लगे कि एक के ऊपर जो है सारे टूट पड़ रहे हैं, ठीक है, लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन और अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, बाकी कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, मैं सैयद अली से बात करता हूँ। सैयद अली आपने रुक रुक के बात करना है, ब्रेक लगा के बात करना है, ठीक है, ब्रेक फेल नहीं करना है अपना, ठीक है, इसकी बस एक एक रिक्वेस्ट है, साहिल समीर जो भी हो आप, सिद्धार्थ आई डोंट नो क्या नाम है आपका, ठीक है, एक्स मुस्लिम, इसको ये जो कनीजा है ना इसको बोलो बस, ये एक तरह अभी वो बोलेगी तो नीचे बैठ जाएगी, है अभी फेर उनको आपको लॉन्डी बोलने का, नहीं नहीं अभी भाई आपसे कह रही हूँ, मैं उसको नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ये चुप हो जाए और ये बीच में इंटरफेयर ना करे, मैंने जब दिया सही है हाँ। जब मैंने अरे बोल ये दिया। बोल देती है ना बीच में आपको इम्प्रेस करने के लिए, ये दली जब हो सकता आगे जाके आप भी इम्प्रेस हो जाए मेरे से, फिर आप कैसी बैठ रहे मेरे साथ, मेरे माशाल्लाह दो बच्चे हैं, दो बच्चे, मैंने बोला ना इसकी खसलत जानती हूँ मैं, इस कनीजा के बीच में बोलती है ये, मैंने बोला ना ये बोलेगी, मैंने बोला ना ये बोलेगी, यार मैं मालकन हूँ तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी, तू मालकिन की दुम भी नहीं है, समझ में आई, जब कनीजा बैठ जा इस तरफ, लौंडिया तो पहले बिकती थी, मुझे गलत मैं बोलना नहीं चाहती यार, लौंडिया तो पहले बिकती थी, कनीजा तो आज भी है, चल चल कनीजा, यार ये क्यों चुप लगा रही है, मैं कह रही हूँ ना ये चुप नहीं होगी साहिल, ये चुप नहीं होगी, ये अपनी नाक, कभी सामने तुम लोग दोनों एक दूसरों को मिल जाए तो हजरत आयशा ने तो बोला है हंटर लेके तुमको देगी वो फटके, तुम क्या करोगे, मार खा लोगे, हाँ मैं मार खाऊंगी, इसकी औकात है ये मेरे को देख के ना इसका चुप निकल जाएगा, इसकी औकात है ये मुझे मारेगी, इसकी औकात है इसका, जब मैं इसके सामने आऊंगी ना ये अपने आप ही लाल पीली हो जाएगी, क्यों तुम इतनी मोटी हो, तुम इतनी इतनी खतरनाक हूँ और क्या, इतनी बदसूरत हो तुम, हाँ इतनी बदसूरत हूँ, और बता तू बहुत हूर की परी है ना, तेरे चेहरे पे लानतें पड़ रही हैं, मैंने बोला ना ये नहीं चुप रहेगी यार, ये नहीं चुप रहेगी, ओके मैं चुप कर जाती हूँ, ओके सुन मेरी लौंडी, इतनी ऑडियंस तू चुप हो जा, मैं तुझसे बात करूंगी, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक पे बात होगी और हम लोग चीज को कुरान से बात करेंगे अभी, तो तुमने जो है ना सुनना है और समझना है, ओके हाँ, और तुम अपनी नाक ना वही रखना अपने पास ही, इधर उधर साहिल में कभी किसी में मत निकालना, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती, अभी हम लोग आपसे टॉपिक पे बात करेंगे, हाँ ये हुई ना भाई, थैंक यू सैयद अली फाइनली। अच्छा सैयद अली ये बताओ कि आपने आते साथ ये कहा कि हम